नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज के 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। आइए अब तक की प्रमुख खबरों को जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पिछले 10 महीने में अमित शाह पांचवी बार कल बिहार आ रहे हैं। वे कल बिहार के लखीसराय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कल 29 जून को बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता की बैठक को लेकर एक बड़ा झटका दे दिया है। आपने दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी आपके महासचिव संदीप पाठक ने दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान वो आम लोगों के बीच अपनी बातों को रखकर कहेंगे कि केंद्र के अध्यादेश उनके खिलाफ है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले की अगली सुनवाई गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में 6 जुलाई को होगी। तेजस्वी यादव के खिलाफ केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं कहने पर गुजरात के समाज सेवी और कारोबारी 63 वर्षीय हरेश मेहता ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला किया है, जहां केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इसे स्वैच्छिक बनाया है। सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को जन्म एवं मृत्यु के लिए आधार का ऑथेंटिकेशन के लिए मंजूरी दे दिया है। राजधानी पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए गुवाहाटी से ब्लैक पैंथर और हुलोक गिम्बन रवाना हो गया है। ये दोनों नए मेहमान कल पटना पहुंच जाएंगे, लेकिन 21 दिनों के क्वारंटाइन के बाद ही दर्शक इन दोनों को केज में देख सकेंगे। ये दोनों प्राणी चिड़ियाघर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर समरेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में लाए जा रहे हैं। खबर झारखंड से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रजा का फाउंडेशन द्वारा संचालित आईटीआई कौशल विकास कॉलेज नर्सिंग एवं कल्याण गुरुकुल के लगभग 500 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज तकनीक का जमाना है, कल कारखानों से लेकर आम जनजीवन में मशीनें जगह लेती जा रही हैं। ऐसे में आपका स्किल्ड होना हर हाल में जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को स्किल्ड करने पर सरकार का विशेष जोर है। बिहार में निगरानी विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ताजा मामला राज्य के किशनगंज से है, जहां टीम ने बुधवार को भवन निर्माण विभाग मुख्यालय के कार्यपालक अभियंता प्रवीण कुमार 1,10,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। अब बात मौसम की करें तो बिहार में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही मौसम सुहाना हो गया है। पिछले एक माह से बिहार के लोगों को गर्मी और उमस से परेशानी थी, लेकिन आज हुई झमाझम बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे अधिकतम तापमान में कमी आई है। वहीं झारखंड में भी मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 28 और 29 जून को राज्य के पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 29 जून को वज्रपात की भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हम Facebook, Instagram और Twitter पर भी उपलब्ध हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।